रादौर के गांव कांजरू में चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में हुई क्षेत्र के कई गांव की महापंचायत। शुक्रवार को रादौर के गांव कांजरू में बनाए जा रहे चिकन प्रोसेसिंग प्लांट के विरोध में क्षेत्र के कई गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यहां जो फैक्ट्री लगाई जा रही है वह मीट फैक्ट्री है, जिसके विरोध में आज क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने महापंचायत कर गांव में यह फैक्ट्री न लगाने को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी डीएसपी रादौर रजत गुलिया को सौंपा। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि उनके विरोध के बाद भी अगर फैक्ट्री यहां पर लगाई जाती है तो फैक्ट्री की एक भी ईंट नहीं छोड़ेंगे। वहीं पंचायत को लेकर सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। महापंचायत के बाद संघर्ष समिति के प्रधान जयप्रकाश कांजरू ने बताया कि आज क्षेत्र के कई गांव के लोगों ने गांव में बनाए जा रहे बूचड़खाना फैक्ट्री के विरोध में महापंचायत में भाग लिया। इसके अलावा उनकी संघर्ष समिति को किसान यूनियन सहित अनेक संगठनों का भी साथ मिला। उन्होंने कहा कि उनकी एक ही मांग है कि गांव के पास लगाई जा रही इस फैक्ट्री को यहां न लगाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर फिर भी यहां पर फैक्ट्री लगाई जाती है तो इसका डटकर विरोध किया जाएगा और वे आंदोलन करने पर विवश होंगे। आज जो हम सब यहाँ महापंचायत में इकट्ठे हुए हैं, इसका एक ही मुद्दा था जो यहाँ बूचड़खाना लगने लग रहा, इसका हमने पहले भी विरोध किया है और हमारा ताकत पूरी है। अब इन लोगों ने हमारी ताकत को और बढ़ा दिया है, अब हम उसका बूचड़खाना नहीं लगने देंगे। इसके विरोध में ही हमारी महापंचायत हुई है, फैसले लिया, हमें ज्ञापन दिया है प्रशासन को, एक हफ्ते के अंदर इस पर कोई संज्ञान ले, नहीं तो अगर वहाँ कुछ वो काम करेगा तो हमको ही उसका काम नहीं होने देंगे और इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। ये कोई और काम कर ले, अगर ये नहीं मानना, ये काम तो हम होने नहीं देंगे, उसका दूसरा काम भी नहीं हम होने देंगे, टकराव रखेंगे बिल्कुल, उसको छोड़ेंगे नहीं हम। देखो 21 मेंबर कमेटी बनाई है जिसमें 21 मेंबर गांव के हैं, एक कमेटी और बनाएंगे जिसमें हमारे आसपास के गाँव के भी लोग होंगे और वो हमारे साथ होंगे सब। डीएसपी साहब ने कहा आप शांति बनाए रखें, हमें उनका काम तब तक नहीं लगने देगा जब तक ये मामला मतलब सॉर्ट आउट नहीं होता। आज ग्राम कांजनू के ग्रामीणों ने आसपास के गांवों के सभी पंचायत के मेंबर्स को बुलाया हुआ और एक महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। एक यहाँ प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग प्लांट लग रहा है, उसके संबंध में पंचायत कर रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी। हम यहाँ सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रेजेंट हैं। ग्रामीणों का यही कहना है कि हम ये इंडस्ट्री के फेवर में नहीं है कि हमारे एरिया में लगाई जाए। के लिए मेरा नाम अंकित नायक है, मैं सायरा फूड्स का एक पार्टनर हूँ। सायरा फूड्स एक चिकन प्रोसेसिंग प्लांट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और लाइसेंसिंग से हमें इशू किया गया है। सेटअप पोल्ट्री प्रोसेसिंग प्लांट जिसमें 600 टन का कोल्ड स्टोरेज लगाया जा रहा है। गाँव में कुछ लोगों ने विरोध किया इसके रिगार्डिंग और हम उनकी भावनाओं को रखते हुए डेफिनेटली रिस्पेक्ट देते हुए हमारा फ़र्ज है कि हम उनको एक मैसेज दिया जाए, पॉजिटिव मैसेज दिया जाए कि किसी भी तरीके का इसमें लार्ज एनिमल का स्लॉटर नहीं है, जो कि सरकार किसी भी टाइम पे अलाउ नहीं करती। हम लोग भी हिंदू धार्मिक लोग हैं, हम भी मंदिर फैक्ट्री में हमारे भी मंदिर संदिर सब कुछ है, हम भी भगवान को बिलीव करते हैं। ऐसा कोई गलत काम नहीं होने जा रहा जिसके विरोध लोगों को इसके बारे में कोई नेगेटिव चीज़ें फैलानी चाहिए। आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है या कोई क्लैरिफिकेशन लेना चाहते हैं आप ज़रूर हमें कॉन्टैक्ट कीजिए या लोकल प्रशासन के ऑफिसेज हैं जिनके पास हमारे लाइसेंस की सारी कॉपीज जा रखी हैं। एनिमल हस्बेंड्री है, DC साहब का ऑफिस है, SP साहब हैं, किसी भी ऑफिस में आप जाना चाहते हैं आप क्लैरिफिकेशन के लिए वहाँ पर अप्रोच कर सकते हैं। पोल्यूशन का भी लाइसेंस हमने मिला है किस तौर पे कि वहाँ पे आसपास कोई मंदिर मस्जिद कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या कोई स्कूल हो वो कोई नहीं है। जो सबसे पास गांव पड़ता है वो विलेज कांजनू पड़ती है, जो भी जो हमारे साइट से कम लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो नेगेटिव चीज़ें फैलाने से अच्छा है कि लोग हमसे आके पूछें और हम जहाँ पे वो बोलेंगे हम वहाँ पे जाके उनको सेटिस्फाई करने के लिए तैयार हैं।